की कुछ ताजा खबरों के। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में डॉक्टरी कराने आए कुछ दबंग तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की पिटाई कर दी, जिसको लेकर देर रात डॉक्टर मेडिकल कर्मियों के साथ अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मेडिकल कर्मियों का आरोप है कि जिला अस्पताल में बनी चौकी पर पुलिसकर्मी तैनात थे, उनको आवाज़ देने के बावजूद भी मेडिकल कर्मियों की एक न सुनी गई और दबंगों ने डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों को जमकर पीट दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे नगर कोतवाल ने तो मीडिया कर्मियों को ही कैमरा बंद करने की हिदायत दे डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया का काम है झूठ फैलाना, कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के कैमरे पर हाथ मारने की भी कोशिश नगर कोतवाली के श्रीवास्तव के द्वारा की गई। देर रात दबंगों का मेडिकल कर्मियों पर हमला करना, पुलिस का मूक दर्शक बनकर खड़े रहना और पुलिस का मीडिया से अभद्रता करना, यह कहां तक जायज है? मुझे यहां रिपोर्ट की जरूरत नहीं चाहिए। रिपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। चलिए, मैं आपसे मैनेज कर रहा हूं, आपकी जरूरत नहीं है। जाइए। मतलब आप अपनी लापरवाही अपने पुलिस की मैनेज कर रहे हैं? लापरवाही नहीं, हम लोग काम अपना कर रहे हैं। रखिए यहाँ पे मोबाइल, इसको रखिए। अभी ये दिन आप जो है इंडिया हॉस्पिटल में भी आप यही काम कर रहे थे? तो जहाँ मतलब हम लोग का काम है कवरेज, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में उस दिन गैस ने गलत काम किया तो आप लोग गैस को सपोर्ट कर रहे थे? ये लोग भी गलत काम कर रहे हैं कहाँ? यहाँ उस दिन आपने क्या किया था? क्या किया था हमने बताइए? उस दिन आप एक बच्ची अपनी माँ के लिए रो रही थी। किस दिन? जिस दिन वहाँ आपसे अगर माँ के दिन रो रही थी, रोड जाम करना जरूरी था? रोड जाम तो कहीं नहीं हुआ था। क्यों ना, रोड जाम नहीं था उस दिन इंडिया हॉस्पिटल में? चलिए, आप लोग काम है दबाव बनाना, दबाव बनाइए। दबाव आपका काम है बनाना, मेरा नहीं। दबाव आपका काम है बनाना, हमारा कोई काम नहीं। दबाव बनाना, दबाव आपका काम है बनाना। हम मतलब पत्रकार झूठी खबर फैलाते हैं। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पत्रकार की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पत्रकार अक्षय भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं, सामने अक्षय भी खड़े हैं, पत्रकार वो भी हैं। आप ही पत्रकार, मैं ड्यूटी पे था, पुलिस मेडिकल लीगल एक केस आया अफजल हुसैन के नाम से, उसको हम लोगों ने अटेंड किया। थोड़ी सी इंजरी थी उसकी, हेड इंजरी थी, उसको हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट एड कर रहे थे। उनके साथ में 12 से 15 लोग थे, उनके साथ में थे। वो आके हमारे स्टाफ से बदतमीजी करने लगे और कहने लगे सबसे पहले आप इसका इलाज करिए, उसके बाद कोई लिखा पड़ी करिए। पुलिस मेडिकल लीगल केस में ये होता है कि सबसे पहले मरीज का फर्स्ट एड किया जाएगा और फर्स्ट एड करते करते उसकी इंजरी नोट करता है डॉक्टर। हम लोग दोनों काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उसके बावजूद वो लोग हमारे स्टाफ से बदतमीजी करने लगे और अंदर माइनर ओटी में जाके तोड़फोड़ करने लगे। जब तक मैं पहुंचा तो तब तक सबने अपने कैमरे ऑन कर लिए थे और कैमरा ऑन करने के बाद में वो तरह तरह की बदतमीजी और गालियां दी और मुझे ढकेलने के बाद मुझे मारा, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे दरवाजे में लड़ा दिया और बोलने लगे, और माँ बहन की मुझे उन्होंने गाली दी। उन्होंने बोला कि पहले इलाज करो, तुम लोग यहाँ इलाज करने बैठे हो या क्या करने बैठे हो? तो आप बताइए, एक डॉक्टर या कोई भी स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना महामारी में अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान दांव पे लगाकर ड्यूटी कर रहा है और उसके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है? आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको जिसने भी ये जो उनके साथ शरारती तत्व थे उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अगर वो गलत है तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी गिरफ्तारी करिए, दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी करिए। अगर क्या होता है इसमें, क्यों नहीं गिरफ्तारी? मान लीजिए अगर आप कार्रवाई से संतुष्ट ना हो या कोई बात हो जाए तो आप लोग का क्या करेंगे? असंतुष्टि वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, सीधी सी बात है, उन्होंने गलत किया तो उनकी गिरफ्तारी कीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। आपकी कुल मांग ये है कि जो जिन्होंने उपद्रव किया यहाँ पर, जो आप लोगों ने बताया उनकी सीधे गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार करें और हमको यहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा प्रदान कहाँ से होगी जब चौकी बिकी हुई है? चौकी हमारे सीरियस पेशेंट है, हमारे पास ओटी में एक सीरियस पेशेंट था, उनकी वजह से वो सफर कर रहा है। चौकी पे सुनिए सर, चौकी पे कोई बोलने वाला नहीं था भाई, यहाँ एक पुलिस वाले बुलाने जाए तो कोई पुलिस वाला चौकी मिलता नहीं है। जब से चौकी हुई तब से अभी घंटे के वक्त जा रही है अस्पताल में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।